Hey guys, good morning. Welcome to my new blog. तो कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे. तो हो चुके अपने दिन के शुरुआत. अभी बज रहे सुबह के 6. तो अभी देखिए आयुष भी उठ चुका है और सिम्बा भी जागा हुआ है दोनों. तो अभी मैं और सिम्बा जाएंगे शॉप और आयुष रहेगा घर पे. आयुष को भी आज हम शॉप पे ले जाने वाले हैं, बट वो ले जाएंगे जब वो ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेडी हो जाएगा तब. और वो करीब 11 से 12 बजे के बीच. तो चलिए फटाफट निकलते हैं शॉप के लिए. तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं अपने शॉप पे और आप जो ये रिकॉर्डिंग देख रहे ना, ये रिकॉर्डिंग मेरे शॉप के कैमरे से की हुई रिकॉर्डिंग है. और गाइज अभी जो टाइम हो चला है हमारा ब्रेकफास्ट का, तो अभी हम निकलते हैं शॉप से और आपको घर पे मिलते हैं. तो अभी मैं घर आया हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है. और अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें जाना है मार्केट. मार्केट जाना है, कुछ काम है. काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. काम ऐसा है कि अभी हम जाएंगे बाजार और कुछ घर का सामान खरीदना है. और मैंने जैसा कि बताया था आपको पिछले वीडियो में कि मेरे घर में कुछ फंक्शन टाइप का होने वाला है, मतलब छोटा सा ही. तो वो किस कारण होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा. वो मैं बताऊंगा जिस दिन है मेरे घर पे छोटा सा फंक्शन, उसके ठीक एक दिन पहले. तो चलिए अब निकलते हैं अभी घर से और आपको मिलते हैं स्कूटी पे. अभी हम निकल चुके हैं अपने घर से और जा रहे हैं मार्केट. साथ में है मेरे आयुष और इसको बहुत मना करने के बाद भी बच्चा नहीं माना. जाना है. हम बोले चलो कोई बात नहीं, बट वही है कि थोड़ा सा इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. मास्क वगैरह तो पहना के ही हम साथ में लाए हैं. आज का जो वेदर है एकदम सा मतलब बढ़िया वाला है. धूप भी बहुत कड़क निकला हुआ है, मतलब कि लिटरली आप 5 मिनट भी ठीक से नहीं बैठ पाओगे इस कड़क धूप में. तो अभी हम पहुँचने वाले हैं साधु मैदान. पहले जो है साधु मैदान यहाँ से स्टार्ट हो जाता था, बट अभी जो है कि कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गए हैं जिसके कारण साधु मैदान अभी इधर ये है और इसको चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया गया है. नहीं तो पहले क्या होता था कि ये पूरा खुला हुआ ग्राउंड रहता था और इसमें दुर्गा पूजा के टाइम बहुत अच्छा मेला भी लगता था. एक्चुअल में आई थिंक ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसके कारण बाउंड्री कर दिया गया है. ठीक हो जाएगा, ठीक ना, ठीक हो जाएगा. तो अभी हम पहुंच चुके हैं लालपुर मार्केट. लालपुर मार्केट पापा इसको कब निकालेगा? यूज नहीं करता है तो कभी देखते नहीं हम. ये वाला जो है ना बेटा अच्छा क्वालिटी का नहीं, खराब है. इसमें क्या होता है ना कि फोन लगाते हैं तो निकल जाता बार बार, इसीलिए नहीं निकाल लगाते इसमें फोन हम. हटा देंगे, जाएंगे ना एक आध दिन गैरेज. गैरेज वाला लोग कर दिया है. हाँ वो लोग लगा दिया तो वही लोग खोल पाएगा ना. मेरे पास टूल्स नहीं है, काफी ट्रैफिक है. और एक्चुअल में आज मंडे भी है और ये साल का पहला मंडे, तो 2-3 दिन जो है लोग आराम से छुट्टी मनाए. तो अभी जो है वापस सब लोग काम पे जा रहे हैं जिसके कारण ट्रैफिक थोड़ा सा ज्यादा है. क्या वो आंख में कुछ पड़ा क्या? हाँ तो बताएगा ना क्या पड़ गया बाबू को? रुक जा, रगड़ना नहीं, इसीलिए बोलते हैं आगे नहीं बैठा करो तुम. देखा कौन सा आंख में? छोड़ो छोड़ो, नीचे देखो, नीचे देखो ना, नीचे नीचे ऊपर देखो, लेफ्ट राइट. नहीं है बेटा कुछ, कुछ भी नहीं है. इधर सही कॉल. हाँ तुम सही किया था. हम एकदम ऊपर नहीं पता कैसे कर दिए हम गलती. देखो ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है. कैल्शियम का फोर्ट कैल्मिन ना, क्या था ना एक कैल्शियम का सिरप आता ना फोर्ट कैल्मिन की, क्या ये नहीं डॉग के लिए, डॉग के लिए फोर्ट कैल्मिन.
और कैलमिन, हाँ और कैलमिन, फोर्ड कैलमिन बोल रहा है। कितना हुआ? तो ऊपर मिलता है, छोड़ो ना सब बाद में देखेंगे, चलो तेरे लिए कुछ देखते हैं कपड़ा वगैरह। ऊपर ऊपर हम दे, नहीं ऊपर नहीं जाना, जाने दो ना। नहीं बेटा ऊपर नहीं जाना, हम नहीं जा रहे, फिर बदमाशी कर रहे हैं। हाथ कट गया उसका। हाँ इधर 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 आना, देखते हैं कुछ इधर पर मिलता है। एप्पल कैसे? अनार। अनार खाएगा? पूरा दागी साफ, इसमें फ्रेश नहीं आएगा भैया, सब में नहीं, सब में दागी है। अब बहुत बड़ा बड़ा साइज है, छोटा साइज का नहीं है, नहीं चलेगा एप्पल। इस साइज का ये वाला तो मोटा चमड़ा होता, नहीं चलेगा ये। बड़ा वाला थोड़ी है यार, रिवाज से बा ट्रेडिशन नहीं है, ये वाला खाता है, छोटा छोटा रहता ना, इसके बाद देखते हैं। कैसे दे रहे एप्पल? एप्पल हो गया, देखे कैसा दिया साइज। अनार दे दीजिए आधा किलो, मीठा हुआ अनार। तो गाइज अभी जस्ट मैं घर आया हूँ शॉप से और लंच करने के लिए आया हूँ, आज थोड़ा देर हो गया, करीबन 4 बज चुके हैं अभी। और आज लंच में बने हैं मेरे फेवरेट आलू पालक की सब्जी, साथ में उनका अचार, दाल भात और आलू सेम का भुजिया, बहुत पसंद है मुझे और एकदम सादा खाना है। और आज मैंने फ्लिपकार्ट से एक चीज ऑर्डर किया था जिसकी डिलीवरी हो चुकी है, और जो मैंने मंगाया है वो था जिग्मा ब्रांड का रूम हीटर, और अभी मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो रूम हीटर, और अभी हमने इसको चला के देखा, 10 मिनट में जो है ना पूरा रूम को इसने टेम्परेचर ही चेंज करके रख दिया। बाहर से अंदर आओ तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बाहर है सर्दी का मौसम, इस रूम के अंदर गर्मी का मौसम। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छे रेट में मिला है, और फ्लिपकार्ट की सर्विस भी बहुत बढ़िया है। और अभी जो है हम रास्ते में जाते हुए मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा जो कैमरा है डेड है और इसमें बैटरी एकदम नहीं है। मेरे को लगा था कि इसको मैंने फुल चार्ज कराया, बट बाय मिस्टेक मैं स्विच ऑन करना बंद कर गया था, जिसके कारण बड़ा दिक्कत होता है और बहुत दर्द देता है ये चीज़। जब भी आप ना शिद्दत से कोई चीज़ को चार्ज में लगाओ और स्विच ऑन करना भूल जाओ ना, और बाद में देखो तो बहुत दर्द होता है भाई साहब, बहुत दर्द होता है। गाइज अभी टाइम हो चुका है 8:45 और अभी टाइम हो चुका है हमारे शॉप को क्लोज करने का, और आज का दिन भी बहुत बढ़िया बीता हमारा, बहुत अच्छा रहा। और कल के वीडियो पे भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आपका जितना भी प्यार मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हमेशा एक चाह रहती है कि थोड़ा सा और प्यार आपसे मिल जाए, क्योंकि दिल है जो मानता नहीं, थोड़ा सा जो दिल मांगे मोर वाली हाल है। तो चलिए फटाफट से शॉप को क्लोज करते हैं, शटर गिराना बाकी है, और डायरेक्ट इसके बाद हम घर चलते हैं, और घर में हम आपसे मिलते हैं। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं घर, और घर आते के साथ ही आयुष क्या कर रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। तो आयुष जो है अभी यहाँ पे बैठा है चेयर के ऊपर और मजे ले रहे हैं उसके ब्लोअर का जो मैंने आज फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। तो इस प्रोडक्ट के बारे में हम आयुष से जानना चाहेंगे कि आयुष को कैसा लगा, कैसा लगा आयुष आपको ये प्रोडक्ट? कोई बात नहीं, तुम सीख जाएगा चलाने। ड्रोन तो नहीं है, है तो ब्लोअर, पर तुम सीख जाओगे चलाने, बिकॉज यू आर अ टैलेंटेड बॉय। गाइज अभी आप अचानक से सोच रहे होंगे कि अभी ये बंदा तो घर पे था और अभी अचानक से बाहर कैसे, तो चक्कर कुछ ऐसा सा पड़ गया है कि हमारे घर में भी सब्जी बनने में काफ़ी टाइम है, तो मैंने घर में मना कर दिया है कि आप सब्जी मत बनाओ, मैं कुछ बाहर से बना बनाया लेके आता हूँ। तो उसी के चक्कर में जो अभी हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं और वहाँ से कुछ बना बनाया लाइक मिक्स वेज या फिर पालक पनीर, मटर पनीर, कुछ ऐसा ही सब्जी खरीदेंगे, और फिर उसको हम घर में ऐसे ऑलरेडी पराठा बन चुका है, तो पराठे के साथ उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। बाहर लिटरली बहुत ज़्यादा ठंड है, बट क्या करें, पेट है, पेट के आगे सारा कुछ फेल है, तो सबसे पहले पेट है, तो इसलिए हम अभी निकल चुके हैं और जा रहे हैं रेस्टोरेंट। गाइज अभी जो हमारा डिनर का टाइम हो चुका है, हमारा डिनर भी आ चुका है, तो आज हम डिनर में खाने वाले क्या है वो खाएंगे। तो आज डिनर में है हमारे पास पराठा, गुलाब जामुन और पनीर चिल्ली, और उसके साथ है आलू दम कसा हुआ। तो यह है हमारा आज का डिनर, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते डिनर को, क्योंकि इतना टेस्टी खाना देख के कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिनिश करते हैं इसको। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है सिम्बा को दवाई देने का, मैंने तो अपना डिनर कंप्लीट कर लिया। तो सिम्बा के लिए है यहाँ पे, ये है मल्टीविटामिन,
के साथ है यहाँ पे कैल्शियम और एक टॉनिक और मैं देता हूँ उसको, और ये है सालमन ऑयल जो कि ड्रूल्स का आता है, ये है उसके हेयर के लिए जिससे उसका हेयर शाइनी और बढ़िया होगा। तो चलिए मैं अभी दवाई दे देता हूँ उसका, देखिए कैसे दवाई खाता है। यहाँ पे सिम्बा बहुत टैलेंटेड है, जान रहा है कि इसको दवाई मिलने वाला है, पहले से जो है आ गया। आयुष तो पढ़ने में ब्रिलियंट हो गया है, फिर इसमें भी हो जाएगा कल। चलो चलो जल्दी होमवर्क कर लो कंप्लीट है। हम लोग इतना देरी से अभी बाहर थे तो हम रुक रुक के ही रूम आ रहे थे कि गर्म हुआ है या नहीं रूम इतर से, तो पापा को गीत के हम लाए पूरा गर्म हुआ। तो बस अभी टाइम आ गया है सोने का और आपको टाटा बाय बाय कहने का। तो आयुष तो सोएगा अभी, इसने पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली, होमवर्क कंप्लीट कर लिया, याद करना है को। मेरे को वीडियो एडिट करना है तो वीडियो एडिट करें उसके बाद हम सोने जाएंगे। तो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।